أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموه وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين صدق الله العظيم بودي أهم ترين hidayat Allah Subhanahu wa taala ni umat Islamiya ko inayat farmayi pichle dars mein bhi badi aham baatein guzri aur sabse ek dars piche jo hai bahut hi aham tareen masail aur hidayat पर मुश्किल दर्स होता है जिसका खुलासा यह है कि यहूदी नसारा का जो जबीहा है बहुत ही अहम तरीन मसला है ये आजकल जो लोग वेस्टर्न कंट्रीज में मौजूद हैं उनके लिए बड़े मसायल हैं इसमें वो कैसा जबीहा हलाल कैसा खाएं क्या खाएं तो बहुत सारे वेस्टर्न कंट्रीज़ में जो मुस्लिम तंजीमें हैं उन्होंने तो ऐसा नज़्म बनाया है हलाल खाने का ज़रिए का कि मैं समझता हूँ हमारे पास भी वैसा नज़्म नहीं है कि वो मानवता उन्होंने एक सोसाइटी बनाई उसकी और असल कुरानी कायदा ये है कि कुरान ने यहूद और नसारा की ज़बीहा को इसलिए हलाल करार दिया उसकी दो वजूहात बताई पहली वजह ये बताई गई कि नसारा और यहूद चूँकि ज़बीहा वैसा ही करते थे जैसे इस्लाम का तरीका था बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर कह के ज़बह करते थे एक और दूसरे कि वो अहले किताब थे इन दो चीज़ों को देखकर कुरान ने उनके ज़बीहा को खाने की इजाज़त दे दी कि उनका तरीक़ा ज़बह करने का वैसी है जैसे मुसलमानों का है एक दूसरा ये है कि फिर वो अहले किताब है कुरान मजीद में अहले किताब का ज़बीहा खाने की खुली इजाज़त आ गई है तो ये दो चीज़ों की वजह से उनका ज़बीहा हलाल है तो अब हमारे लिए ये मसला है कि हम भी ये दो चीज़ें देखें पहले देखेंगे वो अहले किताब भी है या नहीं है जी अहले किताब होना चाहिए पहले तो ये है कि बहुत सारे उनमें के साफ बोल रहे हैं वो कि वी डोंट हैव एनी नो रिलीजन वो खुद ही बोल रहे हैं
अरे भाई वो दावा तो करें कि हम पहले किताब हैं, बिगड़े भी हो, गुनाहगार हो, फासिक हो, हटे भी हो, कुछ भी हो, जैसे हमारे में से भी हम भी बहुत सारे भी कुरान मजीद की उसकी तालीमात से दावेदार तो हैं, हम के मोमिन हैं, बिगड़े हुए हैं, कैसे भी हैं, कैसे कोई भी सूरत हाल होगी, बहरहाल ईमान से हम वाबस्ता तो होने का दावेदार हैं। तो इसी तरह पहली बात ये देखी जाएगी कि क्या वो अहले किताब है या नहीं है। जो खुद अपने आप को अहले किताब बोल रहे नहीं बोल रहे, अब वो खुद बोल रहे हैं कि हम अहले किताब नहीं है, तो उनका कैसे खाते आप जो भी हाँ। तो पहली ये चीज देखी जाएगी कि उन्होंने अहले किताब है या नहीं है। दूसरा ये है कि क्या उनका वो तरीका जवाब वही है नहीं है जो इस्लामी तरीका है, क्योंकि इजाजत इसीलिए दी गई थी कि उनका तरीका जवाब वैसे ही था जो इस्लाम का तरीका था, बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर करके खाते थे। और साहबा जब मदीने मुनव्वरा में आए तो यहूद नसारा के हाथ में गोश्त के कारोबार थे, तो साहबा ने पूछा अल्लाह के रसूल वो लोग जबा कर रहे नहीं कर रहे, वो हमको उसका इल्म नहीं है। तो हुजूर ने चूंकि वो तरीका उनका जबा का वही था तो इसलिए फरमाया कि अगर वो भूल गए नहीं भूल गए, तो हुजूर ने उस सूरत में फरमाया था कि समुल्ला वो कुल, आप अल्लाह का नाम लो और खाओ। तो पहले तो एक तरीका उनका मुतारफ था, उस तरीके से वो तबा करते थे और अहले किताब थे, मुशरिकीन थे, हजरत ईसा को खुदा मानते थे, कलाम इलाही में तहरीफ करते थे, सब कुछ है, उसके बावजूद अहले किताब होने का उनको दावा है नहीं है, ये देखा जाएगा पहले। तो अब अगर वो दावेदार हैं कि जी हम अहले किताब हैं, अब ये देखा जाएगा कि तरीक़े ज़बा वो वही है नहीं है जो उनके तरीक़ा था पहले, जिस तरीके की वजह से उनको इजाज़त दी गई थी उनके ज़बिया को खाने की। दो चीज़ें चेक करना पड़ेगी तब जाके उनका ज़बिया हलाल होगा। इसलिए जो लोग मग़रिबी ममालिक में हैं उनके लिए बड़ा सख्त मसला है, क्योंकि साथ ही साथ खिंजीर भी ज़बा हो रहा है और बकरा भी ज़बा हो रहा है, गाय भी ज़बा हो रही है, भैंस भी ज़बा हो रही है, साथ साथ खिंजीर भी ज़बा, बड़ा मसला है वो लोगों के लिए। तो वहाँ के लोगों ने तंजीमें बनाई और जो है वो बाज़ाब्ता जो है मुसलसल चेक करने वाले लोग मुकर्रर कर दिए उन्होंने कि फला कंपनी है और लोग ज़बीह का ये तरीका है उनका, और अब वो कर रहे नहीं कर रहे उस तरीके पर वो कंपनी की निगरानी करने के लिए उन्होंने अहले इल्म मुकर्रर कर दिए। बाज़ाब्ता का ख्याल जो काम ही उनका ये है कि वो जाके कंपनी को चेक करते रहे, वक्तन फ़क्तन धावा डालें और देखें कि कोई गलत काम तो नहीं कर रहे हैं। तो अब इसलिए उनके लिए ज़बीहा उनका वो फला कंपनी है, उसका ये तरीक़ेकार है, तो अब खा रहे हैं उसको। अब हमारे पास तो गर्चे के बल्दिया की जानी से मुकर्रर है कि जो लोग जो मुल्ला का सर्टिफिकेट जामे निज़ामिया से हामिल हों उसके, और वो मुकर्रर है यहाँ भी, लेकिन वाकई वो वही लोग कर रहे हैं कि कोई दूसरा भी कर रहा है वो काम। जैसे इससे पहले अखबारों में आया था कि बहुत सारे गैर मुस्लिम भी जो है बोल रहे कि भाई मुसलमान मस्जिद कर रहा, हम भी मस्जिद कर रहा हूँ, उठा डाल। ये हमारी जानिब से चेक होना चाहिए, इसका कोई नज़्म बनना चाहिए कि वाकई वो लोग भी सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे, चेकिंग होना चाहिए। तो ये दो सूरतों में दूसरा अहम तरीन मसला अहले किताब की औरतों से शादी का था, अहले किताब की औरतों से शादी करना है या नहीं करना है। कुरान ने तो इजाज़त दे दी है कि अहले किताब की औरतों से शादी की जा सकती है, शर्त वही है, पहले ये है कि वो खुद अहले किताब हैं या नहीं है ये चेक होना चाहिए।